मनोरंजन की दुनिया की इन झलकियों के बाद दोस्तों अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी के साथ। हम आपको बता दें कि उनसे बातचीत की आज ये हमारी आखिरी कड़ी है। सोनाली, सुबह सवेरे में आज फिर आपका स्वागत है। सुबह सवेरे के दर्शकों को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सोनाली, आज बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं आपकी फिल्म दायरा में आपके किरदार से। ये एक लड़के का किरदार था, जाहिर है काफी चैलेंजिंग रहा होगा। आपने इस भूमिका को कैसे स्वीकार किया? मुझे लगता है अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करती तो आई वुड हैव प्रूव्ड मायसेल्फ अ फूल, क्योंकि ये इतना इट वाज अ ड्रीम रोल दैट टाइम व्हेन आई एक्सेप्टेड दायरा, क्योंकि मैं आई वाज स्टिल इन कॉलेज एंड आई हैड ऑलरेडी डन माय फर्स्ट फिल्म चेलुवी विद गिरीश कर्नाड, देन माय Tamil film called Me Madam, then my Marathi films which is Mukta with Jabbar Patel and Doghi with Sunil Suptankar and Sumitra Bhave, and I have done one more film with Ashok Chakradhar ji called Gulabdi, and I had completed my English film also. So I was on a mode ki jahan pe mujhe पता नहीं था कि इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट होने के नाते हम इतना ही कर सकते हैं कि हम अच्छा ऑफर चूज कर सकते हैं। सोनाली, इस फिल्म के लिए आपको फ्रेश फेस बेस्ट एक्ट्रेस का इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है, कैसा लगता है? बड़ा मजा आया था उस फेस्टिवल में जब क्लोजिंग सेरेमनी वॉज ऑन, तो मैं और अमोल जी ऑडियंस में बैठे थे वैलेंसियाने में जहाँ पर फेस्टिवल हो रहा था, तो उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया था लेकिन कुछ फ्रेंच एक्सेंट में अनाउंस किया था, तो मुझे पता ही नहीं चला था कि मेरा नाम अनाउंस हुआ है। और जब अनाउंस हुआ था तो अमोल जी ने मुझे पूछा कि सोनाली तुम्हारा नाम अनाउंस कर रहे हैं ना, तो हमें ये भी नहीं पता चला कि क्यों अनाउंस कर रहे हैं मेरा नाम। तो वहाँ जब मैं ऐसे कंफ्यूज चेहरे से स्टेज पर गई थी कि आपने मेरा नाम तो पुकारा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, तो जो एंकर था उसने बहुत ही अच्छा नरेशन दिया था वहाँ पे कि जो कि बेस्ट एक्ट्रेस इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी है उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो स्टेज पर क्यों है, सो ही टोल्ड मी इन इंग्लिश कि व्हाई आई एम देयर फॉर ऑन स्टेज। तो बहुत ही क्लैपिंग हुआ था और तब तक स्टेट अवार्ड्स मिल चुके थे दोगी और मुक्ता के लिए और फिल्म फेयर भी मिल चुका था दोगी के लिए, विशांतराम अवार्ड भी मिल चुका था दोगी के लिए ही। लेकिन इंटरनेशनल फेस्टिवल में आप जब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो और बाकी मतलब अनेक सारी अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं उन फेस्टिवल्स में, तो उसमें से आपकी फिल्म को चुना जाए एज अ बेस्ट फिल्म एंड आपको चुना जाए एज अ बेस्ट एक्ट्रेस, तो बहुत ही अच्छा लगता है और आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड। सोनाली, अब हम बात करते हैं फिल्म जहां तुम ले चलोगी। इस फिल्म में काम करने का फैसला आपका सोचा समझा था या फिर कुछ और? That film was quite interesting. Definitely, it was a very interesting film. We had good music by Vishal Bharadwaj, lyrics by Gulzar ji. Film zyada chal nahi payi thi, lekin jinhone bhi film dekhi hai, without fail, unhe laga ki is film ke upar kuch react kare. To mujhe lagta hai ye success hai film ka. सोनाली, सुबह सवेरे में इतने दिन हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों से बात करते हुए बड़ा मजा आया, थैंक यू सो मच।